16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर उठाया आत्मघाती कदम। खबर रीवा शहर, जहां बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उस समय एक परिवार में कोहराम मच गया जब जानकारी हुई कि घर की बड़ी बेटी ने फांसी का फंदा लगा लिया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतका की पहचान गीता लोनिया, पिता चूड़ामणि लोनिया के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जिस समय किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाया उस समय घर में उसके साथ बहने थी जो दूर खेल रही थी, जबकि पिता उचित मूल्य की दुकान अनाज लेने चले गए थे। लौट कर आया तो किशोरी दिखाई नहीं दी। तलाश करने पर जानकारी हुई कि वह फांसी के फंदे पर लटक रही है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बिछिया पुलिस ने बताया कि फांसी किन कारणों से लगाई गई है उसकी जांच की जा रही है। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। अभी सूचना प्राप्त हुई है तो अपन रीता लुनिया है, पुत्री चूड़ामणि लुनिया, सूचना मिली है। मर कायमी हो गई है। जिला संजय गांधी जाकर पीएम करा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे बाद में फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल कुछ सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं। सूचना प्राप्त हुई अभी। नाम है आपका? चूड़ामणि। ये क्या कैसे घटना हुई है? फांसी लगा ली साहब। क्या नाम है? काम में चले गए रीता। बच्ची कैसे, क्या घटना हुई? कुछ कुछ नहीं, समझे नहीं तो क्या बता यान। बच्ची हमारा आई आयन, हम कोटा में आनता करना रे। जीजी कहाँ गए? कहीं जीजी या दही के गए तो कहीं जा देखा फिर बतावा का कैसा। तो कहीं फांस घुराई से बोलते नहीं है हम, फिर गए दिखन तो फांसी लगाए रही। पेट पीड़ा ये सन्नासी बाबा पे। कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? हम बहेरा डाबा मऊगंज। मऊगंज मजदूरी कितनी लगी है आप? 3 बड़ी वाली है सबसे बढ़िया सर। क्या कुछ ऐसे वाद विवाद या कुछ नहीं सर? कुछ विवाद नहीं, कुछ विवाद नहीं। टोला पड़ोसी से अपना अपन ठे पूछ सकी थे 10 अना 20 अना आदमी है। कौना मतलब के उसे नहीं रख कर रही। कुछ नहीं, सब पड़ोसन से अपना पता लगा लिए। 1 दार 10 दार 20 दार जैसा इच्छा हो। अपन बच्ची है मतनी बड़ी से पाला ना, वो कम मारी के फांसी लगत काऊ। नहीं ये बात ये नहीं बोल रहे किसी।